ये भाई देखिए भाई, लाइन बस के लिए, वो भी सुबह के टाइम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कासिम और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सांता क्रूज। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जूनियर महमूद साहब जो है गुजर चुके हैं अभी कुछ ही दिन पहले, मैं जा रहा हूँ उनकी कब्र पर। तो फिलहाल मैं हूँ अंधेरी स्टेशन पर, यहाँ से भाई ट्रेन लेंगे सांता क्रूज की। तो भाई देखे सुबह सुबह ही भाई ट्रैफिक लग जाता है यहाँ पर, वहाँ पर तो बहुत है, इसलिए यहाँ पर आ गए हम सुबह सुबह भाई। तो अभी 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद करीब। A few moments later. तो भाई अभी हम आ गए हैं सांता क्रूज रेलवे स्टेशन से बाहर। तो अभी कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर चलते हैं भाई कब्रिस्तान की तरफ। तो अभी देखे भाई, लोग भी अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई अभी खाते हैं वड़ा पाव। एक वड़ा पाव दे। नाश्ता अभी हमने कर लिया है, बहुत ही जो है बढ़िया वड़ा पाव था। यहाँ पर ना मुंबई में ज़्यादातर लोग जो है सुबह में वड़ा पाव ही खाते हैं, और गर्मी बहुत है भाई विंटर में भी, मतलब दिसंबर का महीना चल रहा है और गर्मी भाई, मतलब मेन रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि ये यहाँ का जो है ट्रैफिक बहुत है, और दूसरा रीज़न तो ये भी है कि मुंबई जो है समंदर किनारे है, तो समंदर किनारे जो है टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, तो ये दो रीज़न की वजह से जो है यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी भाई माइक फ्रंट कैमरे में जो है, मतलब फ्रंट में रख रहा हूँ तो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए भाई इस तरह से जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भाई रेड लाइट है, रुकते हैं, बहुत लंबा ट्रैफिक है भाई। तो बहुत गर्मी है भाई सुबह सुबह। सांता क्रूज स्टेशन से ना कुछ 15-20 मिनट का रास्ता है, अगर आप चल के आते हैं यहाँ पर कब्रिस्तान जो है, तकरीबन मतलब 15-20 मिनट लगते हैं, वो भी आपके चलने की स्पीड पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो यही कहना चाहता था बस अभी तो फिलहाल। और ये रास्ते का नाम देखिए, महाराणा प्रताप चौक। तो महाराणा प्रताप चौक से जुहू रोड की तरफ, और यहीं पर जो है आगे मनोज कुमार साहब की जो है ऑफिस है, हमारे मनोज कुमार साहब, और उनका घर भी जो है उधर है जुहू में, यहाँ पर जो है उनकी ऑफिस है। ऑफिस कह रहा था वो जो है इस वाली गली से आती है, और यहाँ पर भाई फ्लाइट जो है एयरपोर्ट पीछे ही है, तो फ्लाइट भी जो है बार बार देखने को मिलेगी आपको। यहीं पे जो है ऑफिस है आगे। टैगोर रोड पर जो है ऑफिस है। देखिए
पहुंच गए और ये अभी बनाया है, अभी कुछ कुछ महीने पहले ही बना है ये। और पहुंच गए भाई, ये है कब्रिस्तान भी है और मस्जिद भी है, तो और गेट एक ही है, मतलब कोई दूसरा गेट नहीं है। अगर आपको आना है तो यहाँ पर एक ही गेट है और एक गेट बन रहा है, कब से बन रहा है लेकिन अभी वो बना नहीं है। तो यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और ये भाई मस्जिद। कब्र जूनियर महमूद साहब की, और यहाँ पर बगल में भी कब्र का काम चल रहा है कुछ। और जूनियर महमूद साहब की कब्र जो है मोहम्मद रफ़ी साहब की कब्र से नज़दीकी है, वहाँ पर देखें रफ़ी साहब की कब्र है, और इधर जो है जूनियर महमूद साहब की कब्र। थोड़ा पानी डाल देते हैं कब्र पर, तो ये रही उनकी कब्र।